दोस्तों स्वागत है हमारे एनसीसी पर चैनल पर। दोस्तों आज का हमारा विषय ये है कि एनसीसी कैप में हम कैप बैच और हैकल कैसे सेट करें। तो फ्रेंड्स ये हमारी कैप है, एनसीसी कैप, और इसको हम बैरे भी बोलते हैं। और ये हमारा एनसीसी कैप बैच है और ये हैकल। अब चलिए इसको अब हम सेट करते हैं। तो कैप को पहले हम दूसरी तरफ पलट के रखेंगे, उसके बाद देखिए कैप में ये वाला हिस्सा मिलेगा आपको ये, और इसको आपको ऐसे उलट कर ऐसे रखना है, सीधी रखना है, बिल्कुल सीधी, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद में आपको जो कैप बैच है, देखिए ये इसकी पिन हम आउट कर लेंगे। उसके बाद देखो अब यहाँ पर ये जो ये नेट टाइप की है और जो नेट है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सीधी रख कर बिल्कुल ऐसे, अब देखिए इसको हम ऐसे सीधी रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सीधी रखिएगा। और उसके बाद जो ऊपर वाला ये हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है, इन दोनों जगह पर हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। इसमें आपको सीजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रेस करते रहना है, ऐसे ऐसे करके प्रेस करते रहना है, प्रेस करते रहना। ऊपर पहले प्रेस करेंगे, फिर नीचे प्रेस करेंगे, करते रहिएगा, फिर कुछ समय बाद पीछे होल हो जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ पर दो होल हो गए हैं। और अधिकतर कैप में नेट लगी होती है, इसमें नेट थी पर मैंने आउट कर दी थी, और ये ऐसे करके दो छेद हो गए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, कैप बैच को आउट कर लेंगे और इसमें अब हैकल सेट करेंगे। अब ये रहा हमारा हैकल। अब हैकल कैसे सेट करेंगे, देखो पहले तो हम कैप बैच सीधी रखेंगे बिल्कुल, फिर पीछे, फिर ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब इसको वैसे के वैसे हम दोबारा से सेट कर देंगे, ये देखो फ्रेंड्स, फिर पीछे से पीछे पलट, ये इस तरह से आगे का हिस्सा और ये पीछे का दोनों तरफ का निकल आएगा। अब यहाँ पर आपको जो पिन हमने साइड में रखी थी, ये पिन अब आपको पिन ऐसे लगानी है। कुछ लोग क्या करते हैं इधर से लगाते हैं, पर इधर से नहीं लगाना, आपको इधर से लगाना है, इस साइड से, पीछे वाली साइड से। अब यहाँ पर हमने पिन को सेट करना है, अब ये पिन हमारी सेट हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और ये आपकी बैरे जो है बिल्कुल रेडी हो गए, ठीक है। अब किसी से कैप में क्या होता है कि आपका ये वाला पार्ट नहीं दिया होता है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको इसमें फीती देखना है, पीछे 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 फीती होती हैं, ये देखो ये, और इन फीती को ऐसे पकड़ना है ऐसे करके, और बिल्कुल ऐसे करना सीधी, इनका जहाँ पर सिधान ऐसे मिले वहाँ पर आपको सेट करना है। अब इसमें तो ये वाला पार्ट दिया हुआ है इसलिए हमने सेट कर लिया आसानी से। इससे क्या होता है कि हमारी जो बैच है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगती है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कभी भी अगर कैप परचेज करना है तो आपको उसका नंबर एक होता है, तो आपको लेना है वन सेकेंड, आपको लेना है आपको 7 7 8 1/4। तो ये क्या होता है, बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है और बैरे अच्छी लगती भी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।